सिद्धार्थनगर जिले में पिछले 15 दिनों से 8 सूत्रीय मांगों को लेकर लेखपाल आंदोलन पर है। जिला प्रशासन ने आंदोलन कर रहे लेखपालों पर कार्रवाई भी शुरू कर दी है। अब तक लेखपाल संघ के 24 लेखपालों को निलंबित कर और 452 लेखपालों के विरुद्ध बैंक इन सर्विस का नोटिस भी दिया गया है, लेकिन इस कार्रवाई का कोई लेखपालों पर असर नहीं दिख रहा है। आप लोग भी अपने उस पे मांग पे कायम है और किसी भी तरह से अभी तक नहीं देखा जा रहा है कि शासन प्रशासन आप लोगों की मांगों पे गौर कर रहा है। कब तक आपका ये चलेगा? जब तक हमारे शासनादेश नहीं मिल जाता हम लोग को, तब तक जो है हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। आप लोगों के खिलाफ इतनी बृहद कार्रवाई हो रही है, अपने जनपद में भी हुई है, 24 लोगों को निलंबित किया गया है और लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, क्या मामला है पूरा? मतलब कितने लोगों के खिलाफ और क्या सर? हम लोग प्रेजेंट नेतृत्व के आह्वान पर हम लोग अपना आंदोलन कर रहे हैं। हमारा जो परिषद से शासन में गई है सहमत सिद्ध होनी है, माननीय मुख्यमंत्री जी को अनुमोदन करना है, वो हमारा अनुमोदन हो जाए, शासनादेश जारी हो जाए, हम लोग तत्काल आंदोलन समाप्त करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब तक शासनादेश जारी नहीं हो तब तक अब आंदोलन समाप्त नहीं होने वाला है। जो कार्रवाई आप लोगों के खिलाफ हो रही है इस पर आपका क्या? जो भी दमनकारी नीति अपनाएं, जितना भी करें, हम लोग जो है पीछे नहीं हटने वाले हैं जब तक शासनादेश लागू हो। यही माननीय मुख्यमंत्री जी 2016 में इन्होंने खुद आश्वासन दिया था कि हम सर आप लोग हड़ताल खत्म कर दीजिए, हम सभी मांगों को मानेंगे। लेकिन आज इस समय ऐसा हो गया है कि वो कोई बात नहीं हम लोग की मानने हैं, लेकिन उनको सिर्फ शासनादेश में जारी करना है विधि विभाग से।